ये टमाटर का पापा, ये टमाटर की माँ, ये बच्चे पे। दोस्तों आप कहते हो कि नैनो इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी है। कोई बादाम होता ना सड़ गया होता है, इधर कड़वा सा टेस्ट आता है ना, एग्जैक्ट वही है माँ कसम। मैंने एक वीडियो में कहा था, एक नहीं शायद दो वीडियोस में कहा था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। से आपके सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होगे कि भाई मैं डाइट जिम में क्या कर रहा हूँ भाई इतनी सुबह। तो लाइक आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का दिन कैसा जाता है। तो भाई आज तो मेरे कॉलेज में छुट्टी थी, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी में आज छुट्टी थी, ट्यूसडे था, तो मेरी आज कोई क्लास नहीं थी। तो मैं आज आराम से उठाऊँ, ठीक है, नींद अच्छे से पूरी करके, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट में जिम में आ गया खा पी के घर से। तो मैं सोचा कि जिम में डायरेक्ट ब्लॉग शुरू करता हूँ। तो भाई आज मैं अकेला हूँ, मेरे साथ आए हैं अभी भैया, कार्डियो कर रहे हैं। और भैया क्या हाल चाल, ठीक हो? हेलो तो कर लो। तो आज भाई मैं जिम में आ गया, सोच रहा हूँ वर्कआउट शुरू करूँगा वापस से। मैंने बीच में जिम छोड़ दी थी, वापस से कंटिन्यू करो, फिर छोड़ो, फिर कंटिन्यू करो, फिर छोड़ रहा हूँ। डाइट वाइट भी अच्छी कुछ खास चल नहीं रही है, बट एनीवेज करते हैं वापस से शुरू। आज हम सोच रहे हैं कि हम बैक को चेस्ट लगाएं, बट मैंने चेस्ट अभी लाइक पिछले हफ्ते लगाई थी। तो मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ते में बैक लगाऊँ। देख रहे हो शेड्यूल कितनी ऐसी तैसी भी पड़ी है, बट चलो कोई नहीं, करते हैं, आज बैक लगाते हैं और आपको दिखाते हैं वर्कआउट कैसे करने वाला हूँ। भाई मैं जिम तो आ गया, मैं पानी लाना भूल गया। कोई नहीं, यहाँ पे इनके किचन से पानी भर लेता हूँ मैं। भाई पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, नहीं तो भाई डिहाइड्रेशन ना हो जाए एक्सरसाइज करते टाइम। तो बेटर है भाई पानी वानी लेके आया करो। और कुछ लोग मैंने देखे हैं कि पानी अपने साथ जिम में लेकर आते बट पीते नहीं यार, पता नहीं क्यों, बट एक एक सिप पिएंगे या लाइक पिएंगे नहीं, बहुत कम पिएंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ एक एक घुट लगा लिया करो, एक एक घुट कह रहा हूँ सर, एक एक सिप लगा लिया करो पानी का। भाई डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो ब्लैकआउट होने में टाइम लगता है। तो भाई वार्म अप कर लिए भाई मैंने, ठीक है, मैंने भाई कार्डियो अच्छा खासा कर लिया हुआ है, आधे घंटे तक कार्डियो ही है मैंने, ठीक है। वैसे इतना करना तो नहीं था, बट वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया हुआ है, वेट को भाई थोड़ा कम भी करना है, ठीक है। 74-75 पहुँच गए, मेरा टारगेट 72-71 का था, 3-4 किलो ज़्यादा गेन हो गया यार, ज़्यादा गंदे बंदे खा लिया। चलो कोई नहीं, अभी हम मेन अपना जो स्ट्रेचिंग सेशन है ना वो शुरू करता हूँ। चलो आज हमारे भैया डेडलिफ्ट करेंगे। That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my भाइयों आज लगे डेडलिफ्ट लाइक कम से कम एक महीने के बाद, ठीक है, वो भी भाई इतनी मुश्किल से लगी है ना, ना मेरी अच्छी डाइट, ना मेरा अच्छा न्यूट्रिशन कुछ ढंग से चल रहा है, लाइक जिम भी नहीं अच्छे से जा पा रहा, बट स्टिल तुम्हारे भाई ने भाई 180 केजी भाई बेल्ट के साथ लगाया, बिना बेल्ट के नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। और वो भी लाइक 1.5-2 महीने के बाद, ना कोई डाइट, ना अच्छे से जिम, 1.5-2 महीना भी नहीं आगे, ज़्यादा ही हो गया वैसे तो, अगर प्रॉपरली देखा जाए तो बहुत टाइम हो गया अच्छे से डाइट नहीं फॉलो कर पा रहा मैं, बट स्टिल 180 केजी तक मैं पूरे आराम से कर पा रहा हूँ। और पहला अटैम्प्ट तो फेल हो गया था जैसे कि आपने देख लिया होगा, और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 180 केजी आराम से फुल कर लिया। बट हाँ, मैं वापस अपने ट्रैक पे आऊँगा, बड़ी जल्दी आऊँगा, बस जॉब वॉब का थोड़ा सा इशू है कि बस मैं इस चीज़ में थोड़ा ट्रैक पे आ जाऊँ, जॉब वॉब में जो भी है मेरा, लाइक स्टडीज़, लाइक जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें जैसे ट्रैक पे आएंगी, मैं अपने जिम के ट्रैक पे जिस चीज़ पे लाइक मैं जिस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता था, मैं वापस अपने ट्रैक पे बड़ी जल्दी आऊँगा, फिक्र मत करो, बस आप देखते रहना मेरे साथ रहना, ठीक है। चलो बाकी अभी भी मैंने भाई 100 किलो डेडलिफ्ट मार दी बहुत देर बाद। जय बाला जी महाराज। चलो भाई ये लगा रहे हैं अभी हम, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रैक्शन, बट हमने भाई वर्टिकल किया हमको, तो भाई हमको ये पता कि हमने विंग्स की एक्सरसाइज लगानी है, इतना पता है, लैट पुल डाउन बोलते हैं हम तो इसको शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के वैसे भी होती है। चलो करते हैं शुरू। क्या हाल है, ठीक हो, मजे में? और ये हमारे भी एक्सरसाइज करते, थोड़ा स्लो लगा लो। हाँ ठीक है, मसल को टेंशन में रखो ना, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लो, ऊपर कहाँ ब्रेक ले रहे हो, टेंशन में तो मसल इतना भी सच नहीं बोलना था। लास्ट सेट है तेरा अभी,
तो भाई ये है हमारा तीसरा लास्ट सेट लेटरल रेजेस का, ठीक है। मैं ज़्यादा रेपिटेशन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि भाई लोग स्ट्रेंथ अपने वापस चाहिए, ठीक है ना। लेट्स गो, तगड़े होने पे ध्यान दो भाइयों। तो भैया अभी पूरे पूरे दो एक्सरसाइज लगा लिए हमने, तो हम तीसरे एक्सरसाइज लगा लेंगे बैक के। मेरे को खुद नहीं पता कौन सी लगानी है यार। हमने लाइक कुछ प्लान किया नहीं था कि हम जिम आएंगे, बट हमने आ ही गए। यार आपको एक चीज बताऊं, ये देखो छोटे छोटे दाने देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कोई स्टीरॉइड नहीं लगाया मैंने, मैं पहले बता देता हूँ, कोई स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट नहीं है। मेरा अचानक से वेट भाई घर पे बैठ के हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि चांस है गेनिंग होगी तो पक्का इसने स्टीरॉइड लगाया हमें, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सीधी बात है। मैं बता रहा था, मैंने भाई वो रेजर की जगह ना एक मेंस की वीट आती है, ठीक है, वो मैंने बालों पे इधर लगाई साइड साइड पे कि चल पहली बार ट्राई कर तो क्या होता है। भाई उसका ये साइड इफेक्ट हो गया, रिएक्शन हो गया मेरे को, और उसका खूबसूरत एहसास अभी भी इंजॉय कर रही है। तो मतलब ये पूरी पूरी लाइक मेरे बाजू पे ना ये रेड रेड से डॉट हो गए हैं, बट चल कोई नहीं, हो जाएगा हफ्ते 10 दिन तक ठीक, कोई चक्कर नहीं। अभी हम बैक की एक्सरसाइज लगाते हैं, मेरे दिमाग में एक आई है, चलो लगाते आ रहा हूँ। अभी भैया एक एक्सरसाइज करके बताएंगे, मेरे को नाम भूल गया लेकिन मैं इसको अपने से नाम डाल रहा हूँ, डंबल पुश बैक, ठीक है। ये लाइक लोअर बैक सॉरी मिडल बैक के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, और अपर बैक के लिए भी, तो आप ये भी कर सकते हो, बहुत मस्त एक्सरसाइज है भाई ये भी। तो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है, ये भी ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज में आ गए चेंज, अब आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी है ना कि इसके ऊपर, ठीक है। यार मेरे को ज़्यादा मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था यार उसमें, तो मैं सोचा कि भाई बिना बेंच के ही बड़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा लाइक पंप आ रहा है, तो बेटर है कैसे कर लो यार भी है। अच्छा छोड़ो, आपसे बाद में पूछता हूँ। अच्छा पहले तो अगर लाइक लेस्टर में कोई बच्चे आ रहे हैं या जो आने वाले हैं जो आ चुके हैं, अगर उनको काम चाहिए तो वो क्या करें भाई? मेन एक रेफरेंस चाहिए यहाँ पर। अगर तुम्हारे पास रेफरेंस है तो जॉब तुम्हें 10 मिनट में मिल जाएगी, अगर रेफरेंस नहीं है तो 10 सालों में भी नहीं मिलेगी। सच बता रहा हूँ भाई, 3 महीने से मैंने ट्राई किया बिना विदाउट रेफरेंस, मुझे जॉब नहीं मिली। एक बार रेफरेंस दी 10 मिनट में जॉब, वो करे ऑफिस में आ जाओ कल काम पर आ जाओ। नहीं यार सेम मेरे साथ भी हुआ, रेफरेंस ही हुआ, मैं तो सिर्फ गया, उन्होंने ट्रायल भी नहीं कराया कुछ नहीं, कमेंडे सीधा पाओ भाई। मेरा भी रेफरेंस वैसे वो ट्रायल पर करते हैं और पे नहीं देते, मेरी ट्रेनिंग पर पे दी उन्होंने, रेफरेंस सिर्फ जस्ट रेफरेंस। तो भाई देख रहे हो लाइक मेरे को तो मिल गई थी ऐसे जॉब में, एजेंसी में। वैसे ऐसा नहीं कि मेरा रेफरेंस लगा था या नहीं लगा था, रेफरेंस तो नहीं लगा था, बट हाँ भाई मैं बहुत खज्जल हूँ, खज्जल मतलब दर बदर भटका हूँ काम ढूंढने के लिए। मेरे को लाइक आते ही तो लाइक मेरे को रेफरेंस था तो मेरे को रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी शुरू में, बट उसके बाद लाइक जो मेरे को एजेंसी वेजेंसी में जॉब मिली ना, तो वो मेरे को लाइक एजेंसी के थ्रू ही मिली थी। एजेंसी आपको जॉब दे देती है, हाँ एजेंसी, हाँ एग्जैक्टली एजेंसी भी काइंड ऑफ एक मीडियोकर का काम करती है, एक लाइक रेफरेंस का ही काम करती है ताकि आपको एक एजेंसी के थ्रू आप किसी कंपनी में काम कर सको। तो हाँ रेफरेंस इज काइंड ऑफ लाइक जरूरी पड़ जाता है यहाँ पर ना, यहाँ तो आपके पास बहुत अच्छे ज़्यादा स्किल्स हैं तो आपको काम वैसे मिल जाए, अगर नहीं है तो फिर भाई रेफरेंस तो बहुत जरूरी। तो ऐसे भी काम मिलना लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया अभी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे आ गए हैं अभी, तो इन्होंने कह तो रहे हैं कि PSW भी बंद कर देंगे, बट आई एम नॉट रियली श्योर कि वो बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने अपनी जॉब की छोड़ी यहाँ पे लोग निकाला गया है? अच्छा मतलब आपने जॉब क्यों छोड़ी? यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा, काम छोड़ रहे हो? अरे काम इसलिए कि मैं एक दिन जिम आया इसी के साथ आयुष के साथ, इसने पहले दिन में सुपर सेट लगवा दिया मेरे भाई ने, कहता भैया जो जो सुपर सेट लगाते हैं और एक मसल स्ट्रेच हो गया, हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ गई। वो कहते अगले हफ्ते मत आना फिर, ठीक है भाई नहीं आते, क्योंकि बिकॉज अगर आप यहाँ पे छुट्टी भी लेते ना खुद के लिए भी, अगर आपको मेडिकल छुट्टी भी चाहिए तो सिंपल सी बात है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपना काम निकालने के लिए बंदा चाहिए, अगर आप नहीं जा रहे हो किसी और पर रख लेगा। तो अपनी तबियत का ध्यान रखो, फिजिकली अपना फिट रहो ताकि तुम्हें ऐसी छुट्टियां ना लेनी पड़े जैसे मैंने ली। और आपकी छुट्टी मार के आजा, मुझे तो वो थी ना प्रेजेंटेशन शाम के 6 बजे, यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई है। ओ शाबाश, ये नुकसान करेगा थोड़ा थोड़ा भाई। एक्सरसाइज खत्म हो गई है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है भैया ने भाई रील के लिए वापस डेडलिफ्ट करना शुरू कर दी, देख रहे डेडिकेशन बंदे की। पहली बार रील बनाने के लिए बोला था, मैं कभी बनाता हूं। पहली बार चलो चलो करो शुरू में बनाते हैं। चलो भाई रील बनाने के लिए भाई पूरे प्लेटे प्लेटे भर ली भैया ने, पानी इतना पेट भर भर के पी रहे ना मैं बोरों में, अभी थोड़ी देर पहले समोसे खाए हैं, समोसे बाहर आएंगे पानी समेत। समोसे की ये समोसा सारा, ये समोसे की मेहनत है सारी। भाई आपकी फिटनेस का क्या राज है? समोसे समोसे, यू कैन डू इट ब्रो, शाबाश भाई। ऐसे भाई वेट नहीं उठ रहा कोई जगह नहीं, चौथा अटेम्प्ट दे दी थी, चौथा तीसरा कौन सा अटेम्प्ट था अभी? दूसरा
दूसरा था उधर पेट की। हाँ अभी अभी तीसरा अटेम्प्ट पड़ेगा अभी। देख रहे हो बंदा रील के लिए इतनी डेडिकेशन भाई साहब। यूपीएससी का एग्जाम बना रहा है नहीं क्लियर हो रही कह रहे नहीं उठा के तो कट देना। कोई नहीं कोई नहीं वेल ट्राइड कट कर देना प्लीज। क्या हो गया फिर मन नहीं कर रहा अब मन मर गया जिम में भाई वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है कि भाई जो भी आप लेटे यूज करते हैं जो भी आप डंबल यूज करते हो ना उनको वापस से रिलैक्स करना चाहिए ठीक है ना। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये भी जरूर करना। तो भाई आज एक्सरसाइज हो गई है मैंने सोचा तीन ही एक्सरसाइज लगाई आज पता नहीं यार तो मोटिवेशन लगी नहीं क्योंकि कुछ खाया नहीं है बहुत टाइम से ढंग से है ना। ना ही डाइट अच्छी चल रही है ना ही जिम अच्छी चल रही है बट हाँ वापस जल्दी ट्रैक पाएंगे। बट हाँ एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करने के बाद और बहुत ही पोजिंग ठीक है वो हम वॉशरूम में जाके करनी है ताकि कोई लाइक किसी को प्रॉब्लम ना हो लाइक ऐसे शर्ट वर्ट खोले तो अच्छा नहीं लगता ना कोई क्या होता है कंप्लेन वम्प्लेन ना करते इसलिए यहाँ पे आके करेंगे हम पोजिंग। भाई अब बहुत हो गए बैठ के पोजिंग चलो घर पे अब भाई सिपर रहा है घर पे इसी में बनाएंगे भाई हम सोच रहे गिलास में बनाएंगे बट यहाँ पे किसी का पड़ा हुआ था चलो इसमें बनाते हैं। नीचे गिर गया दुख इसका ज़्यादा हो रहा है मस्त टेस्ट आ रहा है ब्रो कॉम्प्लेन दूध की शक्ति बढ़ाए पर हाइट नहीं। चलो भाई प्रोटीन दे लिया अब कर जाएंगे और फिर से समोसे खाएंगे चलो यार जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और जहाँ हम जाने वाले वैसे मैं खुद ने कुछ पता कि हम कहाँ जाने वाले कहाँ नहीं बट लेट्स गो। ये देखो भाई तुम्हारे भाई की फोटो यहाँ पे क्या बात है ये पता कब की है जब हेलोवीन डे आया था ना हेलोवीन वीक तो ये तब की फोटो यहाँ पे लगी हुई थी। अभी भाई अचानक से दिख गई मेरी फोटो में तो ऐसे खड़ा था यहाँ पे। हमने सोचा था कि हम घर जाएंगे नहीं हम घर नहीं जाएंगे हम यहाँ पे थोड़ी देर गेम वेम खेलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में थोड़ा चक्कर वक्कर लगाएंगे। भाई भूख तो लाइक है ही नहीं यार बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया भूख मरी गई एपेटाइट ही पूरा खत्म हो गया मेरा पता नहीं क्या हो गया समझ नहीं आ रहा बट चल कोई नहीं फिलहाल गेम वेम खेलते हैं उसके बाद देखते आगे क्या करना है। ओ भाई वो मैं कॉन्ट्रा स्ट्राइक खिलाऊँ जो आपने लाइक बचपन में खेली थी मैं दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ इसकी बात आर्केड प्रो आपको तो पता ही होगा भाई क्या चीज़ है ये अगर जिसको नहीं पता है तो भाई वो फिर ज़्यादा ही नए ज़माने के लोग हो वरना ये तो हमारे टाइम पे होता नहीं था ये वाला भी बट हम वो वीडियो गेम से होती थी इतना सा आता था कैसेट लगती थी उसमें ग्रीन कलर की अगर किसी को याद होगा तो बताना तो मैं वही गेम इसमें खेलने वाला हूँ। चलो मेरी फाइट होने वाली जीत गया भाई जीत गया। यहाँ पे यूके में आके बच्चों का लाइक कोई भी शेड्यूल नहीं बन पाता अंटिल एंड अनलेस उनके पास जॉब हो और वो भी लाइक तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करोगे तो लाइक आपको दो से तीन शिफ्ट ही मिलेंगे हफ्ते में तो बाकी दिन तो फ्री होना तो बाकी दिन का आपका कोई प्लान नहीं बनता कुछ भी इंस्टेंटली हो जाता है तो वही बस मेरे साथ हो रहा है अभी ठीक है। तो हम चलते हैं बिना किसी प्लान के लेट्स गो। तो भाइयों आप सोच रहे हो कि अचानक से अंधेरा क्यों हो गया बस हो गया है ठीक है लेट निकले यार। तो अभी हमारा प्लान ये है कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है अभी हम जाएंगे यूनिवर्सिटी के पार्क में ये अंग्रेज हमारे बीच में बहुत बोर है पीछे हटो दो मिनट। हाँ तो बस और भाई तो इतने लोग क्यों आ गए हाँ तो शोर डाल लो पहले तो कोई दिक्कत नहीं अभी हम जा रहे हैं पार्क में घूमते फिरते हैं और ये देखो ये आधे से तो खाली पड़ो गए यार चलो कोई नहीं कुछ तो गए लेने के वो तो पता नहीं भाई। तो भाई वो मैं आज आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ अपने DMU की यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी अनबॉक्सिंग होने वाली है किसी ने आज तक कभी की नहीं होगी इस डब्बे की नाम है इसका मिस्टर किपलिंग किपलिंग ठीक है भाई प्रोनाउंस गलत किया हो तो माफ कर देना तो कोई बात नहीं क्या जा रहा है बम बम तो नहीं पड़े दिया लग रहा है तो इतनी बड़ी अनबॉक्सिंग DMU में आज तक कभी नहीं हुई ये जिंदगी की पहली DMU की अनबॉक्सिंग होने जा रही है। बच्चे आंखें बंद कर ले दिया नंगा हो गया क्या अटेम्प्टिंग है ये देखो फूड व्लॉगर हम टेस्टी है सच से बताना ओके ओके से चलो कोई चक्कर टेस्ट करके बताएगा आ चुके मैदान में ठीक है क्या है ये तो कह रहा हूं ओके सर अब कड़वा की हुआ ये ये गए थे पूरे वर्ल्ड में घूमने किसके स्पाइसेस के खोज में ठीक है इंडिया आए स्पाइसेस की खोज में फिर इंडिया पे कब्जा किया जो सच है ठीक है फिर उसके बाद यहाँ आके ये भूल गए कि हम स्पाइसेस की खोज में गए थे ना इनके खाने में टेस्ट ना इनके ड्रिंक्स में टेस्ट नहीं इसमें भी टेस्ट नहीं है भाई कड़वे हैं यार ये कुछ भी बना रहे हैं एक हद को मैंने जहर खा लूं छोड़ के ड्रास्टिक फेल हुई है इसके बाद जाएंगे एक जगह वहां हम आपको कुछ बना के दिखाएंगे स्टे ट्यून्ड ये देखना भैया को चिकन को भाई कैसे गले ले
हेलो क्या लड़ रहे हो उससे? देखो बंदा प्यार में पागल हो जाता है, उसको रिश्ता नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी पकड़ा रहे हो इसके लाते भी हुआ प्यार में अंदा नहीं दिख रिश्ते गलिये नहीं दिख रही आगे पीछे ये नहीं दिख रहा, अरे चिकन टक्कर मार रहे हो आगे पीछे टक्कर। तो भाई यहाँ तेल और चिकन हमने पकड़ लिया, बाकी ठीक है। स्टूडेंट रिमेम्बर टेस्ट को महंगा होता है भाई। हाँ सही में ये मेंबरशिप कार्ड वार्ड ये भाई नाम की चीजें होती है, अगर तुमको पैसा खर्चना है ना और तुमको शॉपिंग करनी है, अगर तुम्हारे आसपास के एसडा होगा भाई पकड़ लो, एसडा नहीं है तो लिटिल पकड़ लो, एसडा एलडी और लाइक लिटिल ये तीनों ही हैं सस्ते भाई टेस्को बोल रहे हैं। जो यहाँ उन्हें पता होगा जो आ रहे हैं उनके लिए। हाँ उनके लिए ठीक है। बाकी हमने गंद सा ले लिया, इस पे लिखा है पता क्या, इस पे लिखा है नेशन्स फेवरेट, ये गंद भाई कड़वा इतना तो गंदा तो टेस्ट है वो स्कॉटलैंड की, वो जो पेट्रोल वाली जो है ना उनकी ड्रिंक, मैं तुम्हें पेट्रोली बोलता हूँ उसको वो नेशनल ड्रिंक है भरो सीरियसली मैन, लेकिन जहर है यार कसम से भाई। आगे हम सब्जी लेने के लिए आपको एक चीज दिखाता हूँ, टमाटर दिखाना भी एक बार, ये टमाटर है ये एप्पल ये टमाटर है भाई प्रॉपर, सुन कितना टमाटर है, ये टमाटर का पापा, ये टमाटर की माँ, ये बच्चे में तो भाई हमारा ही इज फ्रॉम रोमानिया एंड ही इज सेइंग डोंट ब्रिंग मी इन द वीडियो बिकॉज़ 2-3 गर्ल्स विल गोना कम एंड टेल मी दैट दे लव मी, सो आई एम नॉट टेकिंग हिम इन द वीडियो बट आई एम शोइंग द शॉप। तो भाई ये भाई की दुकान हमारी ठीक है भाई, मस्त दुकान का ना भाई मस्त काम चलता है, चल ले ही लेता हूँ थोड़ा सा, इसको क्या पता लगेगा ठीक है। तो ये भाई की दुकान है ठीक है, तो देख लो भाई सारा खजूर वजूर सब मिलता है भाई के पास। हम वैसे टमाटर प्याज लेने आए थे वो सब तो ले लिया हमने, ये नान पकड़ोगे क्या, नान खाओगे, नान पकड़ो यार। तो चलो घर पे बनाते चिकन, मैंने एक वीडियो में कहा था, एक नहीं शायद दो वीडियोस में कहा था कि मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, बट यार मैं फिर से नॉन वेजिटेरियन हो रहा हूँ, मेरी आंखों में फ्लैश पड़ रही भाई, दिख नहीं रहा से कुछ भी, लाइक मैं वेजिटेरियन हूँ ऐसे मैंने कहा था अपनी पुराने वीडियोज़ में। तो अब मैं वापस नॉन वेज खाना शुरू कर रहा हूँ, जस्ट लाइक एग्स एंड चिकन, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि यार मेरी डाइट एक्चुअल में पूरी नहीं हो रही है, वेजिटेरियन थोड़ा मेरे लाइक बजट के बाहर जा रहा है, नॉन वेज थोड़ा लाइक बजट में आ जाता है तो लाइक उसको मैं फिर से भी रीयूज कर सकता हूँ, वेजिटेरियन वेज थोड़ी सब्जियाँ वब्जी महंगी हैं यहाँ पे, तो उसमें मेरा लाइक बैलेंस नहीं रहता, क्या कर सकते हैं। बाकी तो जिम करनी है, वापस अपने डाइट पे आना है, तो इसलिए मैं वापस से नॉन वेज खाना शुरू कर रहा हूँ, जस्ट चिकन एंड एग्स दैट्स इट। बट हाँ एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं नॉन वेज कुछ भी नहीं खाऊंगा और लाइक से वजह वेजिटेरियन हो जाऊंगा प्रॉपर, मेरे को पता वो टाइम आएगा, बट शायद से वो भी ये टाइम नहीं है। उन लोगों के लिए सॉरी जिन लोगों को लग रहा हो कि भाई अब वापस नॉन वेजिटेरियन हो रहा है, शायद भाई को वेजिटेरियन ही रहना चाहिए, बट यार मेरी मजबूरी है ऐसा, उस चीज़ को भी समझना। तो अब चलते हैं घर पे, बाकी का व्लॉग वहीं पे कंटिन्यू करते हैं, चलो पहले बनाते हैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनाऊंगा ठीक है। दोस्तों आप कहते हो कि नैनो इंडिया की सबसे छोटी गाड़ी है, आपने कभी ये देखी है? वही तो पूरे फ्रेम में ही आ गई। हमने भैया के रूममेट से पूछा कि भाई वो केक सा खाएगा, वो जो लिया था भाई मतलब देख के ही मना कर दिया भाई, मतलब उसने वो चेयर खाया पहले भी। तो भाई मैंने चिकन तो भाई रख दिया ये बनने के लिए ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी, लाइक आधा घंटा लगना ही है इसको फिर भी। बाकी भैया क्या हाल है, ओके क्या कर रहे हो, बन रहे हैं, भाभी से बात कर रहे हो? है ही नहीं। कोई नहीं मिल जाएगी, बला से दूर रहते हैं समझ रहा हूँ। तो भाइयों चिकन तो बन चुका है, बहुत ही टेस्टी और लाइक बहुत ही अच्छा बना है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, टेस्ट तो वैसे बीच में किया था, टेस्टी बना था। ये तो सस्ती थी 1.5 pound का था, ये इतना बड़ा भाई रोटी ने रोटा है, ये रोटी का भी पापा है, ये देखो इतनी बड़ी रोटी है भाई साहब, साइज देख रहे हो। वैसे जो लोग वेजिटेरियन है प्लीज ऑफेंड मत होना भाई, आपने नॉन वेज नहीं अच्छा तो बना ही है, हमने कह रहा था कि जो लाइक वेजिटेरियन लोग है प्लीज ऑफेंड मत होना कि यार आपने वापस से नॉन वेज खाना शुरू कर दिए हैं ऐसा, भाई को समझ लो यार, आपका छोटा भाई समझ के मेरे को माफ़ कर देना। बट हाँ मैं कुछ टाइम ही खाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं खाने वाला हूँ, जब मेरी चीज़ें थोड़ी ट्रैक पे आने शुरू हो जाएंगी, लाइक मेरे को जब लगेगा कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम में आ चुका हूँ कि लाइक अब मैं वेजिटेबल खाना अच्छे से अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं वापस से लाइक फिर मैं लाइक प्रॉपर वेजिटेरियन हो रहा हूँ उसके बाद से ठीक है। तो प्लीज़ तब तक के लिए यार थोड़ा रहम खा लो भाई पे ठीक है। ये देखो भाई ये है रोटी, जो भी समझ लो यार इतनी बड़ी सी रोटी सी आई है, जो भी अच्छी है, लेकिन ये देखो चिकन आपके भाई ने बनाया, अच्छा नहीं बनेगा? हाँ भैया अभी खाएंगे, अभी खाएंगे। तो मैं अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ भाई, खाते ही नहीं दिखाना चाहता क्योंकि क्या पता कुछ व्यूज लाइक अच्छा ना लगे उनको देखने में ना, तो मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कर लो अपने आराम से ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर गिव इट लाइक और कमेंट ऑन भी जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, और मेरे को ज़रूर से अपने सजेशंस दो कि मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में और क्या क्या कंटेंट लाऊं और आप क्या क्या देखना पसंद करोगे। और हाँ मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट देता रहूँगा,
तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा रेगुलर होने वाला हूँ, अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाला हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा लाइक क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करूँगा इंस्टाग्राम पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर से मेरे को फॉलो कर लो और मुझे ज़रूर से DM करो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबकी हेल्प करूँ और सबको रिप्लाई करूँ अच्छे से, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ ख़त्म। आ जाओ अभी करो फिर, बाय 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 बाय। सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है फिर, बाय 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 बाय।